हाउ टू डू फास्ट स्टडी। यस, आप सभी लोगों की एग्जाम नजदीक आ रही है, मुझे पता है। मैक्सिमम 15 to 20 days और मैक्स टू मैक्स 1 month बाकी है। ऑलमोस्ट सभी की एग्जाम मई जून मंथ में है। मुझे पता है कि आप सभी लोगों को अभी फास्ट स्टडी करने की सबसे सख्त जरूरत है। बट मैम, स्टडी फास्ट तो करनी है, बट कैसे करें? यस, मैं आज आपको 4 important tricks बताने वाली हूँ जिससे आप डेफिनेटली फास्ट स्टडी कर पाओगे। यस, आपको यकीन नहीं होता तो आप एक दिन या फिर हाफ डे 6 hours आप उसे अप्लाई करके देखो, फॉलो करके देखो एंड इंस्टेंट आपको 1 day में भी रिजल्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इसे अपनी स्टडी में जरूर अप्लाई करें जिससे आप सुपर फास्ट स्टडी कर पाओगे। फर्स्ट ट्रिक इज रिव्यू योर करंट सिचुएशन। सबसे पहली चीज है फ्रेंड्स, आपको अपनी जो करंट सिचुएशन यानी कि करंट जो स्पीड है उसे मापना है कि आप अभी कौन सी गति पे चल रहे हो। यस, करंट सिचुएशन आपको पता होगी तभी तो आप नाप पाओगे कि आपकी स्पीड कितनी बढ़ी आफ्टर फॉलोइंग दिस ट्रिक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपकी जो करंट स्पीड है उसको आप मेजर कर लो कि अभी आप कौन सी स्पीड में चल रहे हो। अपने आप को मेजर करो। मेजर कैसे करोगे? यस, ऑन एकेडमी लेके आ रहा है मेगा रिवीजन सीरीज फॉर CSEET स्टूडेंट्स। May 22 अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है। 20 अप्रैल से ये स्टार्ट हो रही है एंड 23 अप्रैल तक ये चलेगी। 4 subjects की ये मेगा रिवीजन सीरीज है फ्रेंड्स, जरूर अटेंड करना। 30 minutes देनी है, टोटल 20 MCQ है फ्रेंड्स। बहुत ही मजा आएगा, आप अपने आप को इवेल्यूएट कर पाओगे कि आपने पढ़ा और आपको उसमें से कितना याद रहा। फर्स्ट रैंकर को ₹1000 अमेजॉन वाउचर जीतने का चांस है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्री में है, 30 मिनट्स देनी है, जरूर इसे अटेंड करें। 2 पर 2 बजे, 4 दिन में 2 पर 2 बजे चारों सब्जेक्ट की ये मेगा रिवीजन सीरीज है, इसे जरूर अटेंड करें। बट इस सेशन को फ्री में अटेंड करने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा SBClub10 जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, कोड को जरूर यूज करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेगा रिवीजन सीरीज में जरूर पार्टिसिपेट करें। देन सेकंड ट्रिक है सेट योर डेडलाइंस। यस फ्रेंड्स, डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जांपल, आपने टाइम टेबल बनाया 6 hours में इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए, 5 days में मेरा ये अकाउंट का सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। लेट्स से एग्जांपल कि कोई भी सब्जेक्ट है वो आपने 5 days आपने उसको एलोकेट किए हैं, आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। बट कैसे? डेडलाइन सेट करनी बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट डे पे इतना सिलेबस कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, सेकंड डे पे इतना सिलेबस कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, एवरी डे और ईच आवर्स आप स्केड्यूल बनाओ, डेडलाइन सेट करो कि 3 hours कंप्लीट होए तो मेरे 50 pages का रिवीजन हो जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, फ्रॉम द फर्स्ट डे आप डेडलाइन सेट करोगे तभी आप 5 days के बाद पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाओगे। वरना फ्रेंड्स क्या होगा, 4 day में कुछ भी नहीं होगा और लास्ट डे पे आपको रियलाइज होगा कि यार मोर देन 50% सिलेबस तो अभी मेरा छूट गया है, तो ओवरबर्डन आ जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा हमें नहीं करना है, हमें शुरुआत से ही डेडलाइन सेट कर देनी है। एंड नाउ थर्ड ट्रिक है, डेडलाइन शुड बी चैलेंजिंग। यस, डेडलाइन आपकी चैलेंजिंग होनी चाहिए, यानी कि ऑलमोस्ट फ्रेंड्स यस रियलिस्टिक अचीवेबल तो होनी चाहिए बट थोड़ी सी चैलेंजेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको पता ही है कि 6 hours में 1 day में आप इतना कंप्लीट कर ही लेते हो। फॉर एग्जांपल, 1 chapter तो आप इजीली कंप्लीट कर पाते हो। नहीं, बट आप 1.5 chapter का डेडलाइन रखो या फिर 2 chapters का आप डेडलाइन रखो कि 1 day में 2 chapters तो कंप्लीट हो ही जाने चाहिए। यस, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा बट फ्रेंड्स गोल थोड़े से चैलेंजिंग होने बहुत ही ज़रूरी है। अपने आप को चैलेंजिंग करो जिससे खुद की एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने की बढ़ेगी, जिससे आपकी स्पीड भी आफ्टर ऑल बढ़ेगी। सो फ्रेंड्स, डेडलाइन चैलेंजिंग होनी बहुत ही ज़रूरी है, इजीली अचीवेबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ फोर्थ एंड लास्ट ट्रिक है रिव्यू योरसेल्फ। आपने फर्स्ट ट्रिक अप्लाई करी, सेकंड ट्रिक अप्लाई करी, थर्ड ट्रिक भी अप्लाई कर दी कि डेडलाइन सेट कर दी और चैलेंजिंग भी रखी उसको। बट फ्रेंड्स, खुद को रिव्यू करो कि फर्स्ट ट्रिक में यानी कि करंट सिचुएशन आपकी क्या थी, करंट आपकी स्पीड क्या थी और ये सारी ट्रिक्स फॉलो करने के बाद आपकी स्पीड कितनी बढ़ी। यस,
ये जानना, रिव्यू करना, इवोल्यूशन करना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। डेफिनेटली आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने भी मेरी स्टडी में ये सारे पॉइंट्स अप्लाई किए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, जरूर अपने आप को लास्ट में रिव्यू करो कि आपकी स्पीड कितनी बढ़ी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की अपडेट आपको एवरीडे मिलती रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि उनको भी एग्जाम में हेल्प में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।